बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद आसिम, दरिया अस्पताल के आपसे मुखातिब हैं। आज एक बिल्कुल मुख्तसर सा पैगाम आपको देना है और वो पैगाम है मास्क के इस्तेमाल के मुतल्लिक। एक बात याद रखिए, आजकल की जो वबा है कोरोना वायरस, उसके लिए मास्क का पहनना क्यों ज़रूरी है और वो मास्क किसी तरह के होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। बस एक बात याद रखिए कि चूँकि वायरस जो है ये एयरबॉर्न ही होता है, जब एक बंदा खांसता या छींकता है तो तकरीबन 30 मिनट तक ये वायरस हवा में सस्पेंडेड रहता है। तो क्लोज जगहों के ऊपर, जैसे लिफ्ट में अगर आप जाते हैं और आपसे पहले कोई आदमी जिसको कि तकलीफ हुई और वो खांस के या छींक के गया, तो अहम मुमकिन है कि उस लिफ्ट के अंदर वो वायरस अभी हवा में सस्पेंडेड हो और आप उसको इनहेल कर लें। इसलिए मास्क का पहनना आजकल ज़रूरी है। मास्क की बहुत सारी इकसाम है, हम लोगों ने इस पर पहले बात की थी। एक आपको बताएं, ये एक सर्जिकल मास्क है जिसको पहनने का तरीका ये है कि आप जो है इसके जो ये जो लूप्स हैं इनको पकड़ के आप इसको पहनिए और उसे अपने कान के ऊपर लगा लीजिए। उसके बाद ये दो उंगलियों के साथ आप इस यहाँ पे जो इसकी प्लायबल वायर है या मेटालिक पीस होता है उसके जरिए आप इसको प्रेस कर लीजिए ताकि वो आपके चेहरे की बनावट के साथ जो है वो सस्पेंड हो जाए। और यहाँ से इसको थोड़ी के नीचे तक रखिए जितना मुमकिन हो सके। इसको पहनने का ये एक सिंपल तरीका है। उतारते हुए भी आपने इसको सामने से हाथ नहीं लगाना, क्योंकि अगर किसी जगह पे आप इनहेल कर रहे हैं तो यहाँ पे सामने वायरसेस के पार्टिकल जो हैं वो लग सकते हैं। इसको ऐसे पकड़ के उतारिए और ऐसे ही इसको जो है वो आप डिस्कार्ड कर दीजिए। कुछ मास्क ऐसे होते हैं जिनके दो कलर्स होते हैं, जिन्हें सर्जिकल मास्क कहा जाता है। उसमें याद रखिए कि जो सफ़ेद साइड है वो आपने अपनी तरफ रखनी है और जो कलर्ड साइड है वो बाहर रखनी है। कलर्ड साइड जो है वो वाटर रिपेलेंट होती है ताकि ड्रॉपलेट्स को उसके ऊपर ज़्यादा देर ठहरने ना दे। और जो वाइट साइड है मास्क की, वो एब्जॉर्ब करती है वाटर को, तो इसलिए इसे अपने अंदर की तरफ पहनना चाहिए ताकि अगर आप खांसें या छींकें तो वो उस तमाम ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब कर ले। जहाँ तक कॉन्सेप्ट है N95 मास्क का, तो N95 मास्क बहुत सारी शेप्स में दस्तियाब हैं। ये तकरीबन 95% ऑफ पार्टिकल जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैं आप सब लोगों से एक दरख्वास्त करूँगा कि N95 मास्क डॉक्टर्स के लिए हैं, उनके लिए रहने दीजिए। इनको जनरल पब्लिक को इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले ही मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। N95 मास्क जो है डॉक्टर्स, और वो भी वो लोग जो कि इंटेंसिव के यूनिट में काम करते हैं, इमरजेंसी में काम करते हैं, डायलिसिस के यूनिट में जहाँ के बहुत ज़्यादा वायरस के स्प्रेड होने का ख़तरा है, उस जगह पर उनको ये मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो जनरल सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को धोएँ। जिस वक्त आप घर से बाहर हो, अपने मुंह को, आंख को, कानों को, नाक को हाथ मत लगाइए और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोइए। यही सबसे बेहतर तरीका है और यही जो है वायरस से बचाव की तरकीब है। आप सबका बहुत शुक्रिया। बेरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल ऑर्चर्ड, UAN 042-111-296-296, बेरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाहौर, UAN 042-111-296-297.